अब देखो यार, अगर तुम लोग हल्क होगन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE के रेसलमेनिया के ऊपर हल्क होगन का काफी बड़ा रोल कंफर्म हो चुका है। ब्रैंडी रोड्स के रेसलमेनिया पर अपीयर होने को लेकर कोडी ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। रेसलमेनिया नाइट 1 के ओरिजिनल मेन इवेंट को लेकर CM Punk की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, वहीं WWE के रेसलमेनिया के ऊपर पॉसिबली ब्लड लाइन का न्यू मेंबर डेब्यू करने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, सबसे पहले बात करेंगे रेसलमेनिया वीकेंड की। बात करें रेसलमेनिया वीकेंड की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के रेसलमेनिया का वीकेंड शुरू हो चुका है। और गाइस, आज यहां पर WWE कंपनी फिलाडेल्फिया के अंदर रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर मीट एंड ग्रीट के लिए उनका वार्ड शो करने वाली गए, जिस शो के ऊपर WWE के काफी सारे बड़े सुपरस्टार अपीयर होने वाले गए। और यहीं अब WWE ने कंफर्म कर दिया है कि आज रात को जब यहां पर WWE रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर उनका वार्ड शो करेगी, तो इस शो के ऊपर यहां पर रॉक भी अपीयर होने वाले गए। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि रेसलमेनिया नाइट 1 के ऊपर रॉक के लंबे टाइम के बाद रिटर्न करने के बाद रॉक यहां पर आज WWE के वार्ड शो के ऊपर क्या करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस यहीं अब WWE के रेसलमेनिया के ऊपर द रॉक के हुए अपकमिंग मैच को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइस यहां पर यह बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रॉक के रिसेंटली ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद WWE के रेसलमेनिया नाइट 1 पर रॉक ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। बट गाइस यहीं अब रेसलमेनिया नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच के अंदर पॉसिबली ब्लड लाइन के और भी मेंबर इंट्रोड्यूस होने वाले गए। और गाइस, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, करंटली यहां पर रोमन रेंस और रॉक के फैमिली के अंदर ऐसे काफी सारे रेसलर थे जो WWE के बाहर इंडी रेसलिंग पर काम करते गए। और वैसे तो जेकब फातू और जिला फातू को लेकर ऑलरेडी ये रूमर चल रही गए कि वो यहां पर रेसलमेनिया पर कोडी और रोमन के मैच में इंटरफियर कर सकते गए। बट गाइस, अब यहां पर रोमन रेंस के फैमिली का एक और मेंबर लांस ओनाइन ने सोशल मीडिया पर टीज करके ये कह दिया है कि वो भी यहां पर पूरी तरह से रेडी गए, और यहां पर हो सकता है वो अगले मेंबर हो जो पॉसिबली ब्लड लाइन को ज्वाइन करे। और गाइस, अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि रॉक के रिसेंटली ब्लड लाइन को ज्वाइन करने के बाद जेकब फातू, जिला फातू और लांस ओनाइन में से कौन यहां पर रेसलमेनिया के ऊपर अपीयर होता है। और लास्ट ईयर सोलो सकुआ के रेसलमेनिया के ऊपर कोडी पर अटैक करने के बाद क्या इस साल एक बार फिर से रेसलमेनिया के ऊपर ब्लड लाइन का एक और नया मेंबर कोडी पर अटैक करता है या नहीं। बोले अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रेसलमेनिया पर ब्लड लाइन का न्यू मेंबर रिवील होगा या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही कोडी रोड्स की, तो यहीं रेसलमेनिया पर कोडी के करियर के बिगेस्ट मैच से पहले MMA आवर पर एरियल एलवानी के साथ लेटेस्ट शो के ऊपर कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया को लेकर काफी बड़ा अपडेट दे दिया है, जहां पर कोडी ने ये कंफर्म कर दिया है कि रेसलमेनिया के नाइट 2 के ऊपर कोडी रोड्स के मैच को देखने के लिए कोडी रोड्स की वाइफ ब्रैंडी रोड्स WWE के शो पर अपीयर होने वाली गए। और गाइस, कोडी ने ये तो कंफर्म नहीं किया है कि ब्रैंडी यहां पर क्राउड में बैठकर WWE के रेसलमेनिया पर कोडी के मैच को देखेंगी, या फिर ब्रैंडी यहां पर कोडी के साथ रिंग साइड एरिया पे ऊपर कोडी रोड्स को रेसलर के तौर पर सपोर्ट करेंगी। बट गाइस, कोडी रोड्स ने ये कंफर्म कर दिया है कि कोडी रोड्स की वाइफ ब्रैंडी रोड्स रेसलमेनिया के ऊपर हमें यहां पर देखने को मिलने वाले गए। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रैंडी रोड्स एग्जैक्टली यहां पर रेसलमेनिया पर क्या करती गए। बट गाइस, जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो गाइस जो कि WWE रेसलमेनिया के ऊपर हर साल उनके हॉल ऑफ फेम को लेकर इंडक्शन करती गए, तो गाइस यहीं इस साल के हॉल ऑफ फेम के ऊपर WWE के हॉल ऑफ फेमर हल्क होगन के अपीयर होने को लेकर बैक स्टेज से एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही गए। वेल गाइस, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के अंदर इस साल मोहम्मद अली और पॉल हेवन जैसे लोगों को WWE के अंदर हॉल ऑफ फेमर बनाया गया है। और यहीं बॉक्सर मोहम्मद अली के हॉल ऑफ फेमर बनने के बाद अभी शीश को लेकर अपडेट आ रही गए कि पॉसिबली यहां पर WWE के अंदर हल्क होगन वो रेसलर होने वाले गए जो मोहम्मद अली को यहां पर WWE के अंदर हॉल ऑफ फेमर के तौर पर इंट्रोड्यूस करेंगे। और जहां रोमन रेंस के द्वारा पॉल हेवन को हॉल ऑफ फेमर दिया जाने वाला है, वहीं WWE के अंदर हल्क होगन पॉसिबली मोहम्मद अली को हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट करेंगे। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि हल्क होगन हॉल ऑफ फेम शो के ऊपर एग्जैक्टली क्या करते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के अपकमिंग रेसलमेनिया के ओरिजिनल मेन इवेंट की। वेल, बात करें रेसलमेनिया के मेन इवेंट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, CM Punk के WWE पर इंजर्ड होने से पहले CM Punk यहां पर रेसलमेनिया पर कंपीट करने वाले थे। और गाइस, यहां पर CM Punk ने रिसेंटली एरियल एलवानी के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर इस चीज को कंफर्म भी किया था कि अगर वो यहां पर इस समय इंजर्ड ना होते, तो गाइस रेसलमेनिया नाइट 1 के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस, रॉक वर्सेस कोडी और रॉलिंस का मैच ना होके
बल्कि ओरिजिनली सेट रॉलिंस और सीएम पंक का मैच होने वाला था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से वो यहां पर रॉलिंस को नाइट वन के मेन इवेंट पर फेस करने वाले थे, बट गाइस पंक के इंजर्ड होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके प्लान को चेंज करना पड़ा है। और गाइस यही पंक के इंटरव्यू में ये बात कहने के बाद अब आज यहां पर सेट रॉलिंस ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से कोडी रोड्स और रोमन रेंस रेसलमेनिया नाइट टू को मेन इवेंट करने वाले थे, तो वहीं सेट रॉलिंस और सीएम पंक नाइट वन को मेन इवेंट करने वाले थे। बट गाइस क्योंकि पंक यहां पर इंजर्ड हो चुके गए तो अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके प्लान को चेंज करना पड़ा है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस साल सीएम पंक के रेसलमेनिया को मेन इवेंट ना करने के बाद अगले साल सीएम पंक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करते हैं या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।